आज वर्ग 9 और वर्ग 10 के लिए, क्योंकि हम भाग बीजी व्यंजक का भाग बता रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग आप सबको समझाएंगे और एल्गोरिथम का प्रयोग करके भाज्य भाजक के आधार पर भागफल और शेषफल के फलन का निर्धारण कैसे करते हैं, ये आप सबको आज मैं बताना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, भाग करेंगे, जो आप सबको पहले से ज्ञात है, यानी px में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, ये 3 है, मैं भाग करना है gx से, यानी x प्लस 2 से। आइए एक बार फिर आपको समझाते हैं कि ताकि इससे भी आपको क्लियर हो जाए, 2x स्क्वायर, क्योंकि भाग का नियम है कि इसका पहला और इसका पहला, यानी 2x स्क्वायर आप बटा x करेंगे तो इसका मतलब, यानी इसके पहले में इसका फर्स्ट टर्म जो है, इसके फर्स्ट टर्म, और यहां 2 इंटू एक्स बटा x करेंगे तो x कट जाएगा और आपके पास आ जाएगा 2x। तो इस स्थिति में जो 2x आया उसको इधर लिखेंगे 2x, और 2x लिखने के बाद इसी 2x से इस पे पूरे में गुणा करेंगे, यानी x प्लस 2 में, तो गुणा कर दीजिए, इसमें गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, और इसमें गुणा करेंगे, दो दूनी का 4x, चिन्ह होगा प्लस, इसी को यहां लाएंगे, यानी 2x स्क्वायर प्लस 4x यहां कर देंगे, चिन्ह बदलेंगे, यहां कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस छुपा है तो माइनस, और यहां माइनस, इसको इससे काट देंगे। अब आपको कल ही बताया है कि इसको छोड़ देना है और ऊपर वाले और नीचे वाले की चिन्ह को देखना है, अगर समान है तो जुड़ेगा और असमान है तो घटेगा, तो 3x से 4x घट जाएगा तो यहां होगा माइनस एक्स, और ऊपर से आ गया प्लस 1। अब इसका पहला फिर और फिर इसका पहला, यानी माइनस एक्स अब बटा एक्स, कट तो गया लेकिन एक तो रहेगा ना, ये माइनस एक यहां रख दिया। अब इस माइनस एक से हमेशा की तरह एक्स प्लस 2 से गुणा, तो एक्स और ये 2, माइनस एक गुणा किया तो माइनस एक्स, और ये चिन्ह दोनों माइनस, यानी यहां भी माइनस एक्स, यहां भी माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये होगा बाबू प्लस, और 2 × 1 = 3। अब आप बताएंगे कि px बराबर, चूंकि यहां हम ये लिखना चाह रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, जो हम लोग पहले से ही भाग के नियम में पढ़ते आए हैं, इसी को जब फंक्शन के रूप में लिखते हैं तो ये होगा px बराबर, ये होगा gx गुणे, ये होगा आपका qx, और प्लस ये होगा rx। इसका मतलब कि इसका वैल्यू पुट किया जाए, भाज्य इसको बोलेंगे px का, तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर gx भाजक, तो ऑलरेडी दिया है x प्लस 2 इंटू भागफल, भागफल ये आया है हमारा 2x माइनस 1 प्लस शेष 3, यानी ये px का वैल्यू अब, ये gx का वैल्यू, ये qx का वैल्यू, ये rx का वैल्यू। अब पढ़िए क्या कह रहा था कि px gx भाग देने पर भागफल qx और शेषफल rx ज्ञात करें, यानी qx का क्या हुआ, इसके सामने क्या आ रहा है बाबू, तो 2x माइनस 1 और शेषफल rx के सामने क्या है 3। ये आपका रहा आंसर। इस आधार पर एल्गोरिथम का मतलब ये हुआ कि इसमें भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के नियम का प्रयोग करके इस नियम को फलन के रूप में जब बदल दिया जाएगा, वही विभाजन का एल्गोरिथम पर